खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बालाकोट में बमबारी का हिसाब, विपक्ष ने मांगे एयर स्ट्राइक के सबूत, विपक्ष के सवाल पाकिस्तान में सुर्खियां, आतंकियों की मौत पर अलग अलग आंकड़े, आंकड़ों में उलझा सेना का शौर्य। स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज पर, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ हुए एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए, इस आंकड़े को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता आतंकियों की मौत पर अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बालाकोट में 400 आतंकियों के मारे जाने का दावा कर दिया है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 250 आतंकियों के मारे जाने की बात कही थी। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी बयान दिया था और उन्होंने भी पार्टी अध्यक्ष के इन दावों का समर्थन किया था। हालांकि इस मुद्दे पर कल पहली बार बोलते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार विदेश सचिव विजय गोखले के बयान के साथ अपना पक्ष पहले ही बता चुकी है। यानी आपको याद दिला दें कि विजय गोखले ने क्या कहा था। विदेश सचिव विजय गोखले ने साफ कहा था, अ लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट वर किल्ड। और ये देखिए, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं ये पूरा आंकड़ों का जो खेल है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने जो आंकड़ा दिया है वो 400 आतंकियों के मारे जाने का दिया है। उसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक रैली में कहा था 250 आतंकी मारे गए हैं। वीके सिंह ने भी इस बात पे हामी भरते हुए अपने बीजेपी अध्यक्ष की बात को पर मुहर लगाई। शाहनवाज हुसैन ने भी 250 का ही आंकड़ा दिया। हम आपको लगातार बता रहे हैं वो आंकड़े जो बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस जगह पर एयर स्ट्राइक हुआ था, जो जानकारी मिली है एनटीआरओ की तरफ से, वहां पर लोकेशन पर 300 मोबाइल एक्टिव थे, ये बड़ी जानकारी दी थी। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि उन्हें आंकड़ों की जानकारी नहीं। और आपको बता दें कि लगातार वो यही कह रही हैं कि जो विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा है वही सही है। बिहार के मोतिहारी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पाकिस्तान के बालाकोट में 400 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। राधा मोहन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने धोखे से देश के 40 सैनिकों को शहीद कर दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान में घुसकर 400 आतंकियों को हमने मार गिराया। राधा मोहन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी, जिसके चलते एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर 400 आतंकियों का सफाया कर दिया। आपको याद है कि बंबई में पाकिस्तान में आतंकियों ने हमला किया, 200 लोग मारे गए। अपनी सेना जा रही थी कार्रवाई करने, तो कुछ नहीं। और इस बार 40 को मारा मेरे यहां, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा सेना को खुली छूट है और हमारी सेना ने जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर 400 लोगों। तो अलग अलग आंकड़े सामने आते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद की रैली में बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि एयर स्ट्राइक में करीब 250 आतंकी मारे गए थे। यह पहला मौका था जब बीजेपी के किसी बड़े नेता ने खुलकर मरने वाले आतंकियों की संख्या का जिक्र किया था। पुलवामा अंदर घटना थता की साथ बधाने उतु के आ वक्त तो सर्जिकल स्ट्राइक ना थी सके, हवे शू थसे के अलर्टनेस बहु हती। परंतु मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकारे बरोबर 13 दिवसे एयर स्ट्राइक करी 250 थी वधारा आतंकवादियों ने शोध। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के 250 आतंकियों के मारे जाने वाले दावे का केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मारे गए। साथ ही वीके सिंह ने पुलवामा हमले को हादसा बताने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर भी जबरदस्त हमला बोला। व्हाट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्या है अबाउट नंबर ऑफ कैजुअल्टी जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। अमित शाह बोल रहे हैं 250, आर्मी भी बोल रहा है दे आर नॉट गिविंग द नंबर, बट अभी तक गवर्नमेंट के तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। कभी भी जब ऐसा हमला होता है, देर आर नो वन हु इज अ विटनेस प्रेजेंट ऑन ग्राउंड, ही कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन ग्राउंड। यू मेक अ एस्टिमेट बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस गैदरिंग which you had done earlier, right? You had intelligence that this number is present out there. These are the number of buildings. So many buildings have been hit and therefore QED. It's a estimate. He is not saying this is a confirmed figure. He is also saying lagbhag itne logon ke marne ki ashanka hai. So let's take it as ashanka.
तो बीजेपी के अपने नेता ही अलग अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं। सवाल ये कि किसका आंकड़ा सही है। विपक्ष के हमलों के बीच आपको बता दें कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी दावा किया था कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक में 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए। कपिल सिब्बल साहब को, दिग्विजय सिंह को और कांग्रेस के नेताओं को विदेशी और विदेशी अखबारों पर ज्यादा भरोसा क्यों है? अपने देश के सेना पर, वायुसेना पर भरोसा कम क्यों है? हमारे जाबाजों ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के एग्जैक्ट पॉइंट को टारगेट किया जहां पर वो इस तरह की हरकत कर रहे थे, और 250-300 लोग वहां आतंकवादी जमा थे, इसलिए पूरी जानकारी के साथ वहां पर हमला किया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बता रहा है कि सिर्फ कौआ मरा है और पैर गिरा है, लेकिन कांग्रेस के नेता अपने देश की वायुसेना, अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं, विदेशी अखबारों का हवाला दे रहे हैं। तो एक तरफ वायुसेना जो लगातार कह रही है कि हमारा काम टारगेट को हिट करना होता है, गिनती गिनना नहीं कि हमने कितने लोगों को मारा, और उस तरफ वहीं बीजेपी जो सरकार में है उसके अलग अलग आंकड़े। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बालाकोट में मारे गए आतंकियों की संख्या पर अपना बयान दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार विदेश सचिव विजय गोखले के बयान के साथ अपना पक्ष पहले ही बता चुकी है। 26 फरवरी को बालाकोट पर भारतीय वायुसेना की कार्रवाई वाले दिन गोखले ने कहा था कि यह सैन्य कार्रवाई नहीं थी और बचाव में किया गया हवाई हमला था। विदेश सचिव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारे गए आतंकियों की संख्या की कोई जानकारी नहीं दी थी। यह जरूर कहा था दैट वी हैव इट अ लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट। द फॉरेन सेक्रेटरी गेव अ फिगर, ही डिडंट गिव अ फिगर, ही गेव अ स्टेटमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया'स पोजीशन। रक्षा मंत्री के बाद अब बात गृह मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने दावा किया है कि बालाकोट में मारे गए आतंकियों की संख्या के बारे में जल्द पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शोध संगठन यानी NTRO प्रणाली ने बताया है कि भारत के हवाई हमले से पहले वहां यानी जहां पर हमला किया गया करीब 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। कितने मारे गए बताओ? अरे हमसे क्यों पूछ रहे हो? NTRO सर्विलांस सिस्टम है भारत का माना जाना, एथेंटिक। NTRO ने कहा है कि जब वहां पर हमला हुआ इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने, पायलट ने जब वहां पर बम गिराए, उसके पहले वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे। अब कल्पना कर लो कितने मारे गए, ये नंबर हमको बताने की कोई जरूरत नहीं। 250, 300 या 400, क्या है असल आंकड़ा, हर कोई जानना चाहता है। विपक्षी दलों के बालाकोट एयर स्ट्राइक हमले का सबूत मांगने के बीच वायुसेना चीफ BS धनोआ ने साफ किया था कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने अपना टारगेट हिट किया है। टारगेट हिट करने के बाद उनका काम नंबर गिनना नहीं है। द टारगेट हैज बीन क्लियरली एम्प्लीफाइड बाय द फॉरेन सेक्रेटरी इन हिज स्टेटमेंट, एंड ऑफ कोर्स इफ यू प्लान टू हिट द टारगेट वी हिट द टारगेट। Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it. That we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. तो ये तो रही वायुसेना, सरकार और बीजेपी नेताओं के दावे की बात, लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है अब जरा वो भी देख लीजिए। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है, तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने ओसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। जो इंटरनेशनल मीडिया है सभी ने कहा है कि उनको लगता है, उनकी जानकारी से उनको लगता है कि वहाँ किसी की शायद ही कोई किसी की मृत्यु हुई हो। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, क्या सारा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के पक्ष में है? तो पहले तो अमित शाह जी बताइए कि ये जान के उनको कहाँ से जानकारी उनको कहाँ से मिली। तो श्री अमित शाह जी से पूछना चाहिए कि जब भारत सरकार अधिकृत तौर पर यह कह रही है
कि इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने लोग मारे गए, तो ये जो 250 का आंकड़ा है, ये 250 का आंकड़ा कहां से आता है? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी राजनीति हुई थी, अब एयर स्ट्राइक हुई है तब भी राजनीति हो रही है, और राजनीति पुलवामा अटैक को दुर्घटना कहने पर भी हो रही है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को दुर्घटना बताकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी लगातार दिग्विजय पर हमला बोल रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पुलवामा हमले को दुर्घटना बता चुके हैं। केशव मौर्य ने 21 फरवरी को हरियाणा के रोहतक में यह बयान दिया था। तो यानी घेरे केवल दिग्विजय सिंह नहीं है, सबूत मांग रही है कांग्रेस, तो उस पर भी जमकर राजनीति हो रही है। और अब आपको बता दें कि बीजेपी के अपने नेता यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हरियाणा के रोहतक में पहुंचे थे और 21 फरवरी को उन्होंने पुलवामा को दुर्घटना बताया, तो जमकर इस पर बवाल हो रहा है। और अब सवाल पूछा जा रहा है कि अगर मेरे सवाल पूछने पर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो आपके खुद के नेता ने पुलवामा अटैक को दुर्घटना कहा, तो उस पर चुप क्यों हैं आप? उस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? रोहतक में आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा क्या था, जरा वो सुन लीजिए। बड़ी दुर्घटना हमारे सेना सीआरपीएफ के जवानों के साथ घटी थी, और उस संबंध में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के समक्ष अपना जो संदेश है वो बताया है कि सरकार की ओर से सेना को खुली छूट दी गई है। तो कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह मोदी सरकार को उन्होंने धमकी दे डाली है। दिग्विजय ने कहा है कि उन्हें देशद्रोही और पाकिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है, अगर किसी में हिम्मत है तो उन पर मुकदमा दायर करके दिखाएं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि मेरे जिस ट्वीट पर आप और आपके मंत्री गण मुझे पाकिस्तान समर्थक मानते हैं, देशद्रोही मानते हैं, वह मैंने दिल्ली से किया था जहां की पुलिस केंद्र सरकार के तहत आती है। अगर आप में साहस है तो मेरे ऊपर मुकदमा दायर करें। मोदी जी, आपने व आपके मंत्रीगणों ने मुझ पर अनेक आरोप लगाए हैं, आपके अनेक भाजपा नेता मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहते हैं। आज तक मोदी जी ने पुलवामा के आतंकी हमले में खुफिया तंत्र का नाकामी के बारे में क्या कार्रवाई की, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, देश को अवगत नहीं कराया? क्या इस विषय पर मोदी जी किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं या नहीं? क्या एनएसए आईबी चीफ और रॉ चीफ से अपने स्पष्टीकरण मांगा? पुलवामा आतंकी हमला हमारे लिए, सभी देशवासियों और विशेष तौर पर उसमें शहीद हुए बहादुरों के परिवारों के लिए तो दुखद दुर्घटना थी। जो उसे दुखद दुर्घटना न माने तो ये उनका विवेक है। पुलवामा आतंकी हमले को मैंने दुर्घटना कह दिया तो मोदी जी से लेकर तीन केंद्रीय मंत्री मुझे पाकिस्तान समर्थक बताने में जुट गए। उत्तर प्रदेश में भाजपा के उप मुख्यमंत्री जी केशव मौर्य जी का बयान कृपया सुने। मोदी जी व उनके मंत्रीगण मौर्य जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो दिग्विजय सिंह ने यह जबरदस्त हमला जो किया है वो हम आपको बता रहे हैं। कल दिग्विजय सिंह ने क्या ट्वीट किया था जिस पर बवाल मचा हुआ है वो भी देख लीजिए। दिग्विजय सिंह ने लिखा था, पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है। ये जो ट्वीट है हम आपको बता रहे हैं किस पर यह पूरा बवाल शुरू हुआ, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आपको बता दें इसके बाद ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्रोल हुए दिग्विजय सिंह, जिसके बाद आज वो हमलावर हो गए हैं केशव प्रसाद मौर्य पर। कल एमपी की रैली में पीएम मोदी ने दिग्विजय पर हमला किया था, सुनिए। उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं, और इसमें भी मध्य प्रदेश के एक नेता जरा और आगे नजर आते हैं। साथियों, आज सुबह ही इन महाशय ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को दुर्घटना करार दिया है, यानी एक्सीडेंट है ऐसा कहा, यानी एक हादसा जो बस हो गया। देशवासी समझ ले, ये ऐसे ही नहीं बोले हैं, ये इनकी मानसिकता है।
देखिए, एयर स्ट्राइक के सबूत सिर्फ नेता ही नहीं, शहीदों के परिवार भी मांग रहे हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद मैनपुरी के जवान राम वकील की मां ने सरकार से मांग की है कि वो उन्हें आतंकियों के शव दिखाएं। नहीं जाएगा तो वहां तक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी तरफ की इधर का दिखाया कि किसी का हाथ दिखाया, किसी का पैर दिखाया, किसी को इसी तरीका के उधर के दिखाना चाहिए। उन्होंने तो स्ट्राइक में दिखा दिया कि हमने बम छोड़े हैं, लेकिन उधर का कुछ दिखाया तो नहीं ना। हमें पूरा दिखाना चाहिए कि उधर के 350 जो बता रहे हैं कि जो भी बता, मेरे को पूरा क्लियर दिखाना चाहिए ना। पूरा पूरा प्रूफ मिला जब कोई उधर से दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमें तो लेस देखना चाहिए ना कि किस तरीका के उधर के हुए, तब मेरे को शांति मिले कि चलो मेरे भाइयों का बदला मिला है। लाश दिखाए दे तब माने, अब का नहीं माने, हम का जाने का भूत है। हमारा ये मानना है साहब का अभी तक कोई साबुत तो नहीं मिला है, तो जब मेरे भाई का साबुत हुआ तो उनका भी साबुत कुछ मिलना चाहिए, तभी तो यकीन हो जाए कोई साबुत मिले। बिना साबुत के क्या है,